नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। मंडे की रणनीति यानी 3 तारीख की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर्स, कौन से स्टॉक्स हमारे होल्डिंग पर थे, कौन से स्टॉक्स को आज बाय सेल रिकमेंड किया था, उन सबका एक ओवरव्यू करेंगे। फिर बात करेंगे मंडे के लिए, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में बाय सेल किया जा सकता है, कहां से मुनाफा बनाया जा सकता है, सबकी बातचीत करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। तो मेरे वीडियो का क्रम क्या होगा, सबसे पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक कल का पोस्टमार्टम करूंगा कि आज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कहां पर कैपिटलाइज हो पाया। जितनी भी बात मैं इक्विटीज की करता हूं, एनएससी इक्विटीज के स्टॉक्स होते हैं, बाय कॉल है तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं जब तक उसका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं होता, सेल कॉल है तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंट्राडे में ही काटना होता है। थोड़ी तबीयत नरम करें उसके लिए क्षमा करिएगा, सेल कॉल है तो आप लोगों को इंट्राडे काटना होता है क्योंकि एनएससी इक्विटीज को सेल करके आप होल्ड नहीं कर सकते, और स्टॉक स्पेसिफिक के आधार पर भी कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। अगर आप लोगों के पास कम पूंजी है तो आप लोग कॉल ऑप्शन भी बाय सेल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को M&M 844 के आसपास आज सेल करने कहा था, 844-45 के आसपास आया था, अगर सेल करना था तो उसका कोई भी स्ट्राइक प्राइस का 840, 845, 850 के स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर लेते, स्टॉप लॉस होता तो एग्जिट कर जाते, टारगेट होता या फिर पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कोई प्रॉफिट बुकिंग की अपडेट डाली जाती तो प्रॉफिट बुक कर लेते। जितनी भी बात मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की करता हूँ वो करंट मंथ फ्यूचर की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की होती है, जैसे अभी मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स शेयर करूंगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पहले स्टॉक स्पेसिफिक की। आज के लिए स्टॉक्स लिए थे सनफार्मा, 822.50 के आसपास सेल करना था, 816.90 का स्टॉप लॉस था, 842 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 850.95 का इसने हाई पोस्ट किया, 834 का लो पोस्ट किया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, पोजिशनल कॉल दी थी 780-770 के आसपास बाय करने के लिए, 790 के आसपास। जिस किसी ने भी उस वीडियो को देखकर अगर उसमें उस लिस्ट में सनफार्मा भी था, अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसकी मौज हो रही होगी 3-4% से। दूसरा स्टॉक था SBI बैंक को बाय करने कहा था 450-480 के आसपास, सेल करने कहा था 456.10 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, 445 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज बाजार थोड़े ऊपर खुले, 454.20 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी, स्टॉप लॉस ओपन मार्केट में 5-10 मिनट में ही हो गया था, तो इसका स्टॉप लॉस रिकॉर्ड कर लिया और हमने SBI में अपनी पूंजी में से 0.30% के आसपास नुकसान किया, यानी लाख रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 300 रुपए का नुकसान। तीसरा M&M को सेल करने कहा था 844.50 के आसपास, 846.10 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, 845 का इसने हाई पोस्ट किया है, 830.20 का लो पोस्ट किया है, 837.50 के आसपास इसका मुनाफा बुक करने कहा था। अगर आप लोग पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो कृपया करके वहां पर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी बातचीत मैं वीडियो में करता हूं उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होती है तो मैं वहां पर जरूर पोस्ट करता हूं। तो M&M में हम लोगों ने मोटा मोटी 0.85% के आसपास कैपिटलाइज किया, तो मोटा मोटी देखा जाए तो अगर SBI के लॉस को और M&M के प्रॉफिट को कंपेयर किया जाए तो आधा टक्का घर पे लेके गए। चौथा स्टॉक लिया था टाटा मोटर्स, 461.50 के आसपास बाय करना था, 471.85 का लो है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, 480.50 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 483.60 का इसने हाई पोस्ट किया है। चलिए कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, HDFC बैंक को सेल करेंगे 1499-1504 के आसपास, 1514 का स्टॉप लॉस, 1465 के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा हमारा सिप्ला, 953-956 के आसपास सेल करेंगे, 963.10 का स्टॉप लॉस, 937 के टारगेट। तीसरा स्टॉक होगा हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, 831.50-834 के आसपास बाय करेंगे, 815.90 का स्टॉप लॉस, 858 के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा टाटा स्टील, 1146-1150 के आसपास सेल करेंगे, 1162 का स्टॉप लॉस, 1100 के टारगेट। ये होंगे हमारे कल के लिए यानी मंडे के लिए 4 स्टॉक्स, यानी 3 जनवरी के लिए। कल से नया साल शुरू हो जाएगा तो आप सभी को नए वर्ष के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, और कामना करते हैं कि आने वाला समय आप लोगों के परिवार के लिए, आप लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत खुशियों के पल लेके आएगा और आप बहुत मुनाफा कमाएंगे। बस 0% स्पेकुलेशन, 0% ओवर ट्रेडिंग, 0% लिवरेज पे काम करिए, रहिए कायदे में, पक्का होगा फायदा, लेकिन कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स पे काम करना होगा।
बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 17175 का और 17180 का हमारा मैजिकल फिगर था। 17265 का इसका लो पोस्ट हुआ है, 17430 का रेजिस्टेंस लेवल दिया था, 17448 के आसपास का इसने हाई पोस्ट किया, 17409 के आसपास क्लोज हुआ है। मंडे के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 17290 और 17200, रेजिस्टेंस 17430 और 17630। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, इसके बाद मैं बात करूंगा मैजिकल लेवल्स की। मैजिकल लेवल्स होते क्या है? मैजिकल लेवल्स हमारे ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर होता है तेज। मैजिकल फिगर हमें डिस्क्राइब करके देते हैं कि मार्केट में तेजी है या फिर मार्केट में मंदी है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 35175 का, आज का लो देखिए 35200 का। रजिस्टर्स लेवल लिया था 35786 का, जो कि हमारा था मैजिकल फिगर। 35750 का हाई पोस्ट हुआ है, यानी एग्जैक्ट बाजार ऑलमोस्ट 95% हमारी रेंज में रहा है। किसी ने भी कहीं पर भी कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास तो उसको मुनाफा मिला होगा। 35628 के आसपास की इसकी क्लोजिंग आई है। एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे 750 के आसपास आया, 700 के ऊपर जैसे ही गया तो वहां पर एक पुट बाय कर सकते थे। क्लोजिंग 35628 की हुई है तो स्वाभाविक रूप से 100-150 पॉइंट की मूवमेंट भी मिली होगी, या फिर 20 पॉइंट 50 पॉइंट की मूवमेंट मिली होगी। 50 पॉइंट भी बोले तो 1500 रुपए होता है। अगर 35200 के आसपास सपोर्ट लेवल पे अगर किसी ने कॉल बाय किया होगा तो उसकी तो लॉटरी लगी होगी, 400-500 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा, 400-500 पॉइंट बोले तो 8-10 हजार रुपए। मंडे के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 35225 और 35060, रेजिस्टेंस 36190 और 36650। ये होंगे हमारे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस। स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति हो गई, निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अब बात करेंगे मैजिकल लेवल्स की। निफ्टी का मैजिकल फिगर था 17180 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 17250 का। 17250 के नीचे जाता है तो वापस एक करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टेम्पररी बॉटम में। आज पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, जिस दिन वो टॉप मारा था उसके लो बॉटम मारा था उसके दूसरे दिन भी यही बात कही थी। मुझे ऐसा लगता है टेम्पररी बॉटम बन चुकी है मार्केट में। कितने भी र्यूमर आने दो, थोड़ी सी तेजी आएगी तो लोग तेजी के प्यादे बाहर आएंगे, थोड़ी सी मंदी आएगी तो मंदी के प्यादे बाहर आएंगे। आप लोगों को कंफ्यूज करते रहेंगे। आप लोगों को फॉलो करना है तो सिर्फ मैजिकल फिगर। मैजिकल फिगर के नीचे चलना चालू होगा तो वापस एक करेक्शन मोड पे आ जाएगा, जब तक उसके ऊपर चल रहा है तब तक तेजी के मोड पे है। तो किसी को सुनने का नहीं, एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का। 35786 का मैजिकल फिगर था बैंक निफ्टी का, वो मैजिकल फिगर हो चुका है 35890 का। 35890 को अगर क्रॉस करता है तो हो सकता है 36200 36650 के आसपास की एक तेजी देखने को मिले। तो मैजिकल फिगर निफ्टी के बैंक निफ्टी के भी होगा, इनके आधार पर भी आप कॉल ऑप्शन पे स्ट्रेटेजी बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी 500,000, 2,000, 50,000, 1,00,000 कमाना मुश्किल नहीं है इस पर कैपिटल। कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाए जाते, जिसकी जैसी कैपिटल है वैसा एक्सपेक्टेशन करे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वीडियो को देखकर 1,000 रुपए भी बनाते हो तो ऐसा कौन सा वीडियो है रेगुलर बेसिस पे जो आपको इतनी कंसिस्टेंसी के साथ रोज लेवल्स दे रहा है और उसका नेक्स्ट डे में पोस्टमार्टम कर रहा है। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो कहते हैं इस मार्केट से पैसा नहीं बन सकता, या फिर जिन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस मार्केट में खोई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए ताकि मार्केट की साइकोलॉजी समझने में आप लोगों को आसानी जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, उन्हें क्लिक करके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को और पा सकते हैं कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। आप लोगों के न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा, और अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना है, इंटेलिसिस में कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो भी प्लीज शेयर करिएगा, ताकि हम अपने सिस्टम में अपने आप में और भी डेवलपमेंट कर सके एज 2022। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।